अयोध्या आज दीपावली पर लक्षाधिक लोकों भिड़ यार भितर अनेक लोक दीप जालुवा बेले अनेक लोक ए सुंदर परिवेश को मध्य उपभोग कर सहित किसी भक्त अच्छा श्रद्धालु अच्छा से प्रतिक्रिया ना सर आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम ओम प्रकाश है और ये मेरा फ्रेंड है रमेश। हम दोनों दिल्ली से आए स्पेशली आज के दिन यहाँ पे दिया जलाने के लिए। आज के दिवाली में कैसे आपको अनुभव हुआ? इस बार कुछ डिफरेंट हुआ? हाँ, कुछ बहुत डिफरेंट हुआ है। वैसे तो मतलब शनिवार को काफी बहुत वहाँ पे कम से कम 23 से 24 लाख दिए जलाए गए थे, तो हम कल नहीं आ पाए। समझे तो हमने आज आने का प्लान बनाया था कि हमें आके सरयू नदी के किनारे हमें यहाँ पे दिए जलाने हैं। तो आज भी देख रहे हम बहुत सारे डेकोरेट हुआ है, बहुत ज्यादा पहले से बहुत अच्छा लगा। ये सब योगी बाबा की देन है, हम उनके राज में बहुत खुश हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, लोगों की गैदरिंग देखे यहाँ पे बहुत लोग उत्साह है, दूर दूर से हर स्टेट से लोग आए हुए यहाँ पे और अपनी खुशियों के जहार कर रहे हैं, दियो के जला के कोई ये सब चीज देखे गए, बड़ा अच्छा लगा हमें। हम देख रहे थे आप बहुत सुंदर तरीके से दिवास की सेवा कर रहे थे यहाँ धाम में। सेवा नहीं, ऐसे बस आए थे हम लोग। एक्चुअली आए हम दिया जलाने के लिए थे दिल्ली से। दिल्ली से हम दोनों फ्रेंड ही है और एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो दोनों साथ ही आए। हमारे तो डिफरेंट ही है, हर बार हम घर पे मनाते, इस बार यहाँ पे आए तो डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, मजा आया बहुत बढ़िया। और योगी मोदी जी के हम तो उनके बहुत बड़े जबरदस्त फैन है। जो भी भावे योगी मोदी को जो एत सब डेवलप अंडा विकास होली कहवा कथा आम सहित आउ जन भी अच्छा। आप कहाँ से आए हो? मैं श्रीधाम अयोध्या जी से हूँ। अयोध्या और कल भी दीपोत्सव था और आज भी बहुत सुंदर भव्य तरीके से यहाँ पे डेकोरेट हुआ है। जो दीपोत्सव था मेन वो कल का ही था, उस दिन बहुत अच्छा सुंदर से यहाँ दीपोत्सव मनाया गया और बहुत सारे काफी लोग यहाँ भीड़ थी, बहुत दूर दूर से आए थे यहाँ दीपोत्सव देखने के लिए, जिसमें बहुत सारे दीपक जलाए गए और भी सारी चीजें की गई और भी जगहों पे, जैसे कि जो कुंड है हमारे अयोध्या के अंदर उनके पास भी दीपक भेजे गए थे जलाने के लिए। ये माने बहुत हर्ष उल्लास की बात है जो हमारे अयोध्या में दीपोत्सव मन रहा हर एक साल। ये बाबा जी का बहुत श्रेय है अयोध्या के ऊपर और अयोध्या के अंदर क्या माने पूरे यूपी के अंदर जो भी मान धार्मिक स्थल है वहाँ हर एक जगह से मान हर एक तरह के विकास हो रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। आप कहाँ से आए हो? हम भी यहीं के निवास स्थान पे हैं, अयोध्या से ही। और इस बार दिवाली कैसे डिफरेंट? यार क्या हर साल से हम सब देख रहे हैं अयोध्या धाम में काफी उत्सव, ये त्योहार नहीं उत्सव का माहौल रहता है हमेशा। और दीपावली हम सबके लिए यहाँ आने वाले 4-5 सालों से लगातार एक भव्य उत्सव की तरह यहाँ देखा जाता है, मनाया जाता है। और आने वाले कल में आप भी जान रहे हैं कि जनवरी में भगवान श्री राम लला का भव्य उद्घाटन होने वाला है 2024 में, 24 जनवरी 2024 को ही उसका डेट रखा गया है। बहुत भव्य, बहुत मनोरंजन हो रहा है, बहुत उत्सव का एक माहौल है हम सबके बीच में, जैसा कि आप भी देख रहे हैं। आज तो दीपावली है, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं दीपावली की। जैसा कि एक दिन पहले कल के दिन एक भव्य उत्सव था दीपावली का, अच्छा खासा उत्सव था, आप सब भी देखे, पूरा विश्व देखा है। एक विश्व भारत जो है एक विश्व पटल पर एक अच्छी छवि जैसे बन रही है, आप सबको दिख रहा है एक बंधुत्व का, एकता का हर तरीके से पिरोया जा रहा है, एक केंद्र बनाया जा रहा है अयोध्या धाम को। बहुत 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 अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। जो भी भाई भारत गोटे विश्व केंद्र बनुची, कारण योगी सरकार विकास अयोध्या होकर जेहेतु सी मूल बासिंदा से कहते कि योगी सरकार फल अयोध्यार विकास निश्चित भाव अनेक गुण में अधिक हो। कैमरामैन आदित्य सह मनोज महांति, अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।